गुल्ली बुल्ली आसमान में किसको देख रहे हैं? ये तो शॉन है। गुल्ली कहता है कि शॉन तुम अभी नीचे आ जाओ वरना तुम गिर जाओगे ऊपर से। शॉन कहता है कि आज तो मैं बादलों को छू के ही रहूंगा, अब तुम मुझे उड़ते हुए देखो बस। अरे वाह, मैं तो सच में उड़ने लगा हूँ। गुल्ली बुल्ली तुम देख रहे हो या नहीं? बुल्ली कहता है कि शॉन अपने ऊपर तो देखो, इसको तो बाबा ने बचा लिया है। शॉन कहता है कि बाबा आपने मुझे क्यों रोका उड़ने से, मैं बस उड़ने ही वाला था। बाबा कहते हैं कि शॉन तुम चिड़िया नहीं हो जो तुम उड़ने लगोगे। शॉन कहता है कि मगर बाबा फिर आप कैसे उड़ते हो? गुल्ली कहता है कि शॉन बाबा ने कड़ी तपस्या से शक्तियां पाई हैं। शॉन कहता है कि ये हीरा है क्या? गुल्ली बुल्ली बाबा जल्दी यहाँ आओ। गुल्ली कहता है कि ये तो कोई कीमती पत्थर लगता है। शॉन इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। पापा कहते हैं कि शॉन मैं इसको निकालता हूँ। पत्थर निकालते ही गुफा का रास्ता खुल गया। इसमें तो ऐसे कई सारे पत्थर हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसी जगह पे कोई गुफा मिलना तो बहुत कमाल की बात है, मुझे तो लगा था ये बस पत्थर ही है। बुल्ली कहता है कि इसमें वो चमकती हुई चीज क्या है, कहीं वो सोने के सिक्के तो नहीं? बुल्ली कहता है कि ये तो सच में सोने के ही सिक्के हैं, इन्हें बेच के तो हम अमीर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ये गुफा काफी अजीब है और इसके दरवाजे भी खुद से खुल गए, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ पे। गुल्ली बुल्ली शॉन तुम लोग कहाँ चले गए? वहाँ के पत्थर तो दरवाजे पे आके दोबारा लग गए, इसका मतलब ये किसी की बिछाई हुई जाल थी। ये सब एक अंधेरी सी जगह पे आके गिर गए हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो, किसी को चोट तो नहीं आई ना? शॉन कहता है कि बाबा मैं सपना देख रहा हूँ क्या, या हम सच में किसी खजाने में आ गिरे हैं? गुल्ली बुल्ली भी इतना खजाना देख के बहुत हैरान है। गुल्ली कहता है कि बाबा जल्दी बादल को बुलाओ, हम यहाँ से खजाना ले चलते हैं। बाबा का जादू यहाँ काम कर ही नहीं रहा है और ये बादल को भी नहीं बुला पा रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरी शक्तियाँ यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, मुझे किसी का जाल लगता है, तुम लोग किसी चीज को छूना मत। शॉन कहता है कि बाबा ये शोर कैसा है? अरे तो एक दानव आ रहा है, कहीं इन्हें देख ना ले, लगता है आज कोई शिकार नहीं आया है, ये तो दरवाजे पे ही सो गया। बाबा कहते हैं कि मुझे लगा ही था ये जाल है। बुल्ली कहता है कि बाबा हम यहाँ से निकले कैसे, मुझे डर लग रहा है। बाबा कहते हैं कि हमें इसके ऊपर से होके गुफा से निकलना होगा, इसके अलावा यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। ये इस दानव से बाल बाल बचा और अब ये लोग यहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं। चारों गुफा से निकल आए। शॉन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं अब मारा जाऊंगा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली। बाबा कहते हैं कि लगता है अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, जरा वो तो देखो, ये तो किसी का महल लगता है। ये लोग इस महल की तरफ ही जा रहे हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा घंटी की आवाज कैसी है ये? इस महल से तो कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। शॉन कहता है कि यहाँ तो लोग हैं, इनसे मदद मांगते हैं हम। बाबा कहते हैं कि नहीं शॉन, ये हमारे दोस्त नहीं हैं, जरा इन्हें ध्यान से देखो, हमें जल्दी कहीं छिपना होगा। हमारे राजा की वजह से हम बहुत अमीर हो गए हैं, वो सभी से महान है। पापा कहते हैं इसका मतलब हम किसी मॉन्स्टर के राजा के जादुई इलाके में हैं, लेकिन देख के लगता है ये लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी क्या? मुझे लगता है यहाँ कोई है, वहाँ पे है वो लोग। गुल्ली कहता है कि बाबा क्या करें अब, ये हमें मार देंगे क्या? लगता है वो कहीं और चले गए, पूरे इलाके में फैल जाते हैं हम, उन्हें हम जाने नहीं दे सकते हैं। ये लोग इन झाड़ियों में छिप गए थे, यहाँ पे तो और मॉन्स्टर कुछ लेके आ रहे हैं, ये तो खजाना है। ये कहता है कि महाराज को कुछ ही देर में सारी चीजें दे देंगे, अभी हम इसे यहीं रखते हैं, ये अपने घर में जा रहे हैं।
बुल्ली कहता है कि बाबा यहाँ तो और भी तरह के मॉन्स्टर्स हैं, इससे पहले ये पूरी जगह मॉन्स्टर से भर जाए हम कहीं और चलते हैं। ये लोग छिपने की अच्छी सी जगह ढूंढने जा रहे हैं। इस मॉन्स्टर ने तो शॉन को देख लिया, शॉन इसको देखते ही भागने लगा है। बाबा कहते हैं कि शॉन ऐसे भाग कहाँ रहे हो, हमारे साथ ही रहो। इसको देख के ये लोग भी घर में चले गए। ये पिग मॉन्स्टर शॉन को ही ढूंढ रहा है। मैंने तुम्हें भागता देख लिया है, तुम मुझसे बचोगे नहीं। दूसरे मॉन्स्टर इसकी आवाज सुन के बाहर आ रहे हैं। आखिर ढूंढ किसको रहे हो तुम, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ? नहीं, कोई मुसीबत की बात तो नहीं है, बस मैंने यहाँ एक जानवर को देखा था। तुम उसको ढूंढो, मैं ये सारी चीजें महाराज को दे के आता हूँ, फिर मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये महल के अंदर आ गया है। महाराज, मैं आपके लिए कुछ सोना लेके आया हूँ। इस राजा का सिर तो हिरन का है। तुमने बहुत अच्छा किया शेरू, इससे हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। शॉन इसे देखने के लिए बाहर आ गया। इस राजा ने तो इसको देख लिया। ये कौन सा जानवर लेके आए हो तुम? तुम्हें पता तो है ना, हमारी दुनिया में कोई और जानवर लाना गैर कानूनी है। महाराज, मैं इसको नहीं लेके आया हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अरे हाँ, ये तो वही लगता है जिसको हमारा साथी बाहर ढूंढ रहा था। मुझे लगता है ये कोई जासूस है। सिपाहियों, इसको पिंजरे में कैद कर दो, इसका फैसला मैं बाद में करूँगा। बुल्ली कहता है कि बाबा, हम कब तक इस अकेले मॉन्स्टर से डरते रहें? हम तीन हैं, इसको हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि मैं भी ऐसे छिपके थक चुका हूँ बुल्ली, तीनों मिलके इस पे हमला करते हैं। इन लोगों ने मॉन्स्टर को पकड़ लिया। दोस्तों, क्या होगा बागी की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलके शॉन को बचा पाएंगे, या ये बड़ा सा मॉन्स्टर इन लोगों को मार देगा? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।